हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे औसत के चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि अक्सर तक एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 83 अंकों का औसत कितना है, 38 है। बाद में पता चलता है कि जो 83 क्वेश्चन है उनमें से कि दो अंकों को गलत पढ़ लिया गया है। वो दो अंक कौन से थे, 72 और 82। उन दोनों को 72 और 82 की जगह पे 50 और 62 पढ़ लिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो सही औसत है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 83 अंक थे और जिनका औसत कितना था, 38। जब हम इनका टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 3154 आएगी। अब फ्रेंड्स, अब हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, कि जो 3154 है इसमें से जो दो गलत पढ़ लिए गए थे इनको हटा देते हैं और जो दो उसकी जगह पे जो दो सही नंबर थे उनको जोड़ देते हैं और टोटल अंक हमारे पास कितने रहेंगे, 83 ही रहेंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 83 ही रहेगी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरीके की एक वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 3741/83 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं जिनकी आयु कितनी है, 14 वर्ष है। मतलब एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु को जोड़ दिया जाए, अगर बच्चों की एज में अगर हम टीचर को भी जोड़ देते हैं तो जो आयु का औसत है वो कितना बढ़ जाता है, एक वर्ष बढ़ जाता है। तो हमें क्या पता करना है, हमें अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे 30 विद्यार्थी थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, 14 वर्ष। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 504। अब देखिए अब क्या हुआ, सॉरी 36 कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, इतनी है, 14 वर्ष है। अब अगर हम एक अध्यापक को भी जोड़ लिया जाए तो टोटल कितने लोग हो गए, 37। 36 स्टूडेंट, एक और जोड़ गया तो कितने हो गए, 37। और उनकी औसत आयु में भी एक बढ़ जाता है, मतलब पहले औसत आयु कितनी थी, 14, और अब औसत आयु कितनी हो गई, 15। जब आप इनको गुणा करोगे तो हमारा आंसर आएगा 555। अब हमें क्या करना है, हमें अध्यापक की आयु को निकालना है। तो हमारे पास पहले स्टूडेंट की औसत आयु का हमने टोटल निकाल लिया। अब अगर हमने देखा कि अध्यापक को भी हमने ऐड कर दिया तो औसत आयु भी एक अंक बढ़ गई, तो हमारा टोटल कितना आ गया, इतना। अब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अध्यापक की आयु हमारे पास आ जाएगी 51 ईयर। क्या है, अध्यापक की आयु है। अब फ्रेंड देखिए, अब जो हमारा औसत का जो एवरेज का जो चैप्टर है इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम मिक्सर और एलिगेशन के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिक्सर और एलिगेशन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बस कुछ कंडीशंस याद करनी, मतलब ध्यान में रखनी रहती हैं। जो कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पे देखिए, या तो हम यहाँ पे नॉर्मल मिक्सर की बात कर लेते हैं, जैसे चाहे मिल्क, वाटर, चावल, ऐसा कुछ हो, या फिर कहीं पे भी दो छोटे छोटे ग्रुपों को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया जा रहा हो। मतलब मान लीजिए सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, इसको मिला के पूरी एक क्लास बनाई जा रही हो, यानी कि दो छोटे ग्रुप को मिला के एक बड़े ग्रुप को बनाया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम एवरेज के चैप्टर में हम मिक्सर और एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन सॉल्व तो एवरेज की सिंपल थ्योरी से भी हो जाते हैं, लेकिन अगर इन क्वेश्चन को हम एवरेज के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। या फिर अगर हम बात करें कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा कर्ण है वो किसका हो जाएगा, मिक्सर के और एलिगेशन के थ्रू हम इसको यूज़ कर लेंगे। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो हमारी सैलरी है वो भी मिक्सर है किसका, टैक्स का और इनकम का। जो सैलरी है हमारी वो भी किसका किसका मिक्सर है, टैक्स का और इनकम का। तो इसलिए इसको इस ऐसे क्वेश्चन को भी हम मिक्सर और एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मिक्सर और एलिगेशन का यूज़ करके। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी भी वर्कशॉप में 7 टेक्नीशियन हैं जिनकी सैलरी का औसत कितना है, 12,000 रुपये। शेष जो मजदूर हैं उनकी सैलरी का औसत कितना है, 8,000 रुपये। अगर वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों के वेतन का औसत 9,000 रुपये है तो वर्कशॉप में कितने कर्मचारी हैं। अब देखिए इसको तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तरफ हमारे पास टेक्नीशियन है और एक तरफ हमारे पास लेबर है मतलब मजदूर है। टेक्नीशियन का हमें पता है कितनी है, 12,000 सैलरी है। लेबर के लिए हमारे पास कितनी है, 8,000 सैलरी है। और यहाँ पे हमें देखिए टोटल सैलरी भी दी। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि एक छोटे मतलब कुछ टेक्नीशियंस और लेबर को पूरे ग्रुप को मिला के क्या बना दिया गया, वर्कशॉप बना दी गई है। कुछ इनकी सैलरी है, कुछ इनकी सैलरी का औसत है और हमें टोटल औसत पता है। तो हम यहाँ पे मिक्सर एंड एलिगेशन को नॉर्मली लगा लेंगे तो कितना आ गया, 9,000। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1,000 और 3,000, जब इनका रेशियो निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 1:3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो टेक्नीशियन है ये आपको कितने दिए हुए हैं, 7 टेक्नीशियन है ना। और यहाँ पे जो लेबर का रेशियो कितना है, 3, यानी कि टोटल कितना है, 4। और जब एक टेक्नीशियन किसके बराबर, 7, तो 4 किसके बराबर हो जाएंगे, 28, यानी कि टोटल मतलब टोटल कितना हो गया इन दोनों का, 4 टोटल पूछे गए वर्कशॉप में, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 जो है वर्कर हैं पूरी वर्कशॉप में। सो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स औसत के मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस और क्वेश्चन कराएंगे जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।